गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेरी फाइन एट योर प्लेस. आई एम प्रवीण यादव फ्रॉम राज इंटरनेशनल स्कूल. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ज्योग्राफी ऑफ 11th क्लास. टुडेज चैप्टर नेम इज वाटर ओशियन एंड टुडेज आवर टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन. लिसन, ओशियंस का जो टेम्परेचर है इट्स नॉट इक्वली. सपोज इट्स आवर अर्थ. If we go from equator toward the pole, temperature is going to decrease. Okay. Otherwise, यहाँ पे जैसे अपन equator से pole की तरफ जाएंगे जो temperature है वो decrease होता चला जाएगा. एक तो ये चीज हो गई. दूसरा, northern hemisphere के अंदर, northern hemisphere के अंदर बहुत सारे continents हैं. तो continents की वजह से क्या होता है, जो land है लैंड जल्दी ही हीट होगी और जल्दी ही कोल्ड हो जाएगी. और इसका जो वाटर की जो है, वाटर जो है लेट हीट होगा, हीटअप जल्द वार्म लेट से होगा और ठंडा भी लेट से होगा. तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, जो यहाँ पे अब जैसे मैंने अपने बात बता रहे हैं नदन हेमिस्फेयर में, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंट्स हैं या लैंड सबसे ज्यादा है नदन हेमिस्फेयर में. सदन हेमिस्फेयर में जो लैंड है वो कम है. इस वजह से सदर्न हेमिस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा इफेक्टिव या अप एंड डाउन ज्यादा नहीं होता है, जबकि नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो सी का जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा कम, कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है. तो आज अपन इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट है लैटिट्यूड, LATITUDE, लैटिट्यूशनल. तो जैसे जैसे अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो एक डिग्री जब अपन मूव करते हैं तो 0.5 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, 0.5 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ये कम होता चला जाता है, ठीक है. दूसरा है, अच्छा इसका एक रीजन और क्या है, जैसे सनलाइट जो है, इसका एक दूसरा रीजन क्या है, जैसे जो सन है, सन की जो रेज है इक्वेटर वाले रीजन पे तो डायरेक्ट पड़ती है, और जैसे जैसे अपन पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये सलेंटिंग रेज गिरेंगी. तो सलेंटिंग रेज जैसे अपने यहाँ पे सुबह और शाम को अपने यहाँ पे जो हीट है, टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, डे में टेम्परेचर ज्यादा रहता है. इसके पीछे रीजन क्या है, डे टाइम में सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है. जितने डायरेक्ट पड़ती है, जैसे अपन टॉर्च है, टॉर्च को अपन फोकस मारते हैं दीवार के ऊपर तो फोकस बन जाता है, तो वो फोकस वाले पॉइंट पे अपन को ज्यादा रोशनी दिखाई देती है. इसके अलावा सलेंटिंग रेज भी जाती है, तो सलेंटिंग रेज जाने की वजह से उसका बहुत ज्यादा ऑब्जर्व जो है वो अपना एटमॉस्फेयर कर लेता है. ये मैंने आपको सोलर रेडिएशन के अंदर बताया था, एक बार मैं हल्का सा फिर से बता देता हूँ. जैसे ये अपना एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में से जब सन की रेज आएगी तो देखो सिर्फ इतने ही एरिया के अंदर ये एटमॉस्फेयर में रही, तो इतने एरिया में रही यानी कम एरिया में रहेगी, तो हमारा एटमॉस्फेयर इसको कम एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर ज्यादा हीटअप कर देगी. जबकि जो सलेंटिंग रेज होती है वो जैसे ऐसे है, तो सलेंटिंग रेज जो है देखो कितना बड़ा एरिया इसने कवर कर लिया. तो जो सलेंटिंग रेज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा होके गुजरती है, इस वजह से उस रेज का एब्जॉर्ब जो है एटमॉस्फेयर ज्यादा कर लेता है, जिसकी वजह से इसके पास में अब हीट जो है कम होती है. इस वजह से डे मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में जो सन की जो रेज है या सन की जो हीट है वो कम होती है, और डे में सन की रेज ज्यादा होती है. तो बिल्कुल एज इट इज ही, जैसे जैसे अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज ऑफ सन रेज सलेंटिंग गिरेगी, जिसकी वजह से ये कम होता चला जाएगा. दूसरा आ गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लैंड. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लैंड, आई टोल्ड यू बिफोर, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर ज्यादा कॉन्टिनेंट्स हैं, सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर कॉन्टिनेंट्स कम है. तो अब क्या होगा, जैसे सपोज कर लेते हैं दोनों तरफ एक बार अपन 25 डिग्री टेम्परेचर मान लेते हैं, क्लियर. अब 25 डिग्री टेम्परेचर अपन ने मान लिया,
अब क्या होगा, यहाँ पे लैंड ज्यादा है तो लैंड हीटअप जल्दी होती है और लैंड जो है कोल कूल भी जल्दी होती है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमारे इस सी वाटर का टेम्परेचर को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर 27+ हो जाएगा, ठीक है, 2 डिग्री टेम्परेचर इस लैंड की वजह से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि लैंड टू सी क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म होती है तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, और सी जो है, ओशन जो है, वाटर जो है, ये लेट गर्म होता है, इस वजह से ये हाई प्रेशर बन जाएगा, जिसकी वजह से हवाएं जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो ये जाती हैं डे टाइम में, डे टाइम में। इसी तरह नाइट में क्या होगा, नाइट में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, लैंड जो है अब ये कूल हो जाएगी, जिसकी वजह से अब यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा, और जो सी है ये ठंडा, अभी ये ठंडा नहीं हुआ, मतलब कि जो नाइट लैंड के टेम्परेचर से इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा ही रहेगा, जिस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, और हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, इस वजह से नाइट में ये ऐसा होता रहेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर इधर का उधर जाएगा, इस वजह से यहाँ पे तो टेम्परेचर जो है डे हो चाहे नाइट हो, सदर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर एज इट इज रहता है, और ना और इसमें नदर हेमिस्फेयर में लैंडफॉर्म्स होने की वजह से टेम्परेचर अप एंड डाउन ज्यादा होता है। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है वो प्रिवेलिंग विंड बोल रहा है, प्रिवेलिंग विंड बोल रहा है। प्रिवेलिंग विंड में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, वर्टिकल अप एंड डाउन होता है, जैसे ये अपना सी है, इस सी के अंदर ये वाटर है, इस तरीके से वाटर है, तो ये वाटर गर्म होगा, वार्म अप हो जाएगा, ये वाटर वार्म हो जाएगा, तो ये पानी नीचे जाएगा और कोल्ड वाटर ऊपर आएगा, इस वजह से इनमें इंटरमिक्सिंग चलता रहेगा, साइकिल वाला सिस्टम, क्लॉकवाइज जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, इस वजह से भी टेम्परेचर जो है अफेक्ट होता है ओशियन का। जो थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो है, ओशियन करंट से, करंट टू टाइप्स की होती है, करंट का मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ओशियन करंट बोलते हैं इनको, ओशियन करंट टू टाइप्स की होती है, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। वार्म करंट जो होंगी वो इक्वेटर के आसपास होंगी, वार्म करंट कहाँ होंगी, इक्वेटर के आसपास होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट पड़ेगी, जिसकी वजह से इस वाले रीजन के अंदर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाले रीजन के अंदर सन की डायरेक्ट रेज गिरने की वजह से यहाँ पे वार्म करंट बनेगी, और कोल्ड करंट पोलर रीजन में बनती है कोल्ड करंट। अब ये कोल्ड करंट क्या करेंगी, कोल्ड करंट वार्म करंट की तरफ मूव करती हैं, और वार्म करंट जो है कोल्ड करंट की तरफ मूव करेगी, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, जैसे सपोज कर लेते हैं अपन अमेरिका ले लेते हैं, अमेरिका जो है वो सिचुएटेड है ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्किल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, यहां पर है, तो अब यहां पे क्या होगा, यहां का टेम्परेचर कम है, यहां का टेम्परेचर कम है, और यहां से क्या होगा, जब वार्म करंट जाएगी, यहां से जब वार्म करंट जाएगी तो इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा ज्यादा कर देगी, तो इस वजह से जहां पे लैंड फॉर्म्स हैं, जहां पे सी हैं, ओशियन करंट्स वगैरह हो गई, तो टेम्परेचर जो है इंपैक्ट डालता है। अब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ले लेते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये बिल्कुल अर्थ सरफेस के उल्टा हो गया है, अपन ने पढ़ा था टेम्परेचर इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद, जैसे जैसे अपन अर्थ में डेप्थ में जाते हैं, डेप्थ इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ये अपनी लैंड पर लागू होता है, ये सिस्टम लैंड पे लागू होता है। दोबारा से सुन लो, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब जैसे जैसे अपन अर्थ सरफेस से वी विल गो टुवार्ड द सेंटर, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में बताए थे, अब तक ह्यूमन बीइंग जो है 4 to 5 किलोमीटर ही गया है, ठीक है, और 12 किलोमीटर गए हैं अपन मशीनों, अपन ने पहुंचाई है, जबकि अपनी अर्थ का जो रेडियस है ये इतना है, 6,000
340 किलोमीटर अपनी अर्थ सरफेस का रेडियस है, ठीक है। अच्छा, ये इसके उल्टा होता है, जैसे अपन सी में नीचे जाएंगे डेप्थ में इंक्रीज होगा तो यहां पे टेम्परेचर माइनस में हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, तो नीचे जाएंगे तो ठंड बढ़ जाती है, टेम्परेचर ज्यादा सॉरी टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको समझने के लिए एक मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं, समझना। सपोज करो ये आपका सी है, ठीक है। इस सी में बेटा थ्री लेयर्स होती हैं, सॉरी ये तो वन लेयर होगी, फर्स्ट लेयर ये हो गई, ये फर्स्ट लेयर हो गई, ठीक है, और ये सेकेंड लेयर हो गई और ये थर्ड लेयर है। तो फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर, ओशन में थ्री लेयर्स होती हैं, लेकिन कौन से ओशन वाटर में, इक्वेटर के आसपास जो सन में सॉरी वाटर में थ्री होती है, तो ये तो सरफेस वाटर बोलेंगे इसको, तो ठीक है। इसकी जो थिकनेस है 500 मीटर तक रहती है, इसकी थिकनेस 500 मीटर तक रहती है। जो सेकंड है इसकी जो थिकनेस है 1000 to 1500 रहती है, और इसके नीचे बाकी ओशन रहता है। बाकी ओशन का मतलब है लगभग 90% वाटर जो है इस थर्ड लेयर के अंदर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जो अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर रहेगा, लैंड का टेम्परेचर रहेगा तो उससे थोड़ा सा कम या ज्यादा ही रहेगा। जबकि जो सेकंड लेयर है इसको अपन थर्मोक्लाइन लेयर बोलते हैं। थर्मोक्लाइन लेयर का मतलब होता है इस लेयर में टेम्परेचर बड़ी तेजी से कम होता है, और जो थर्ड लेयर है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं तो समझने की कोशिश आप प्लीज करना। जैसे ये 0 डिग्री है, ये 5 डिग्री टेम्परेचर, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री और ये 25 डिग्री। ये चीज समझ में आ गई आपके, मैंने कोई डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, आपके बुक में भी ये कई डायग्राम बना हुआ है। तो सरफेस का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री है, यानी कि यहां पर है। अच्छा जैसे अच्छा अब क्या होगा, ये यूं आएगा, ये यूं आता है, सॉरी बना, ये यूं आएगा, यूं तो 25 से सीधा टू कहां पर आ गया, 5 डिग्री टेम्परेचर पर आ गया, और फिर ये यूं नीचे आएगा 0 डिग्री। मैथ के स्टूडेंट अगर थे आप, टेंथ में मैथ अच्छे ढंग से पढ़ा था, तो थोड़ा सा समझ में कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, थ्री लेयर्स मैंने बनाई थी, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर 500 मीटर की है, सेकंड लेयर 1000 to 1500 मीटर की है, जो थर्ड लेयर है इसमें 90% वाटर होता है, 10% वाटर ही फर्स्ट और सेकेंड लेयर में होता है। तो फर्स्ट लेयर का टेम्परेचर हमने 25 ले लिया था, और थर्मोक्लाइन बोलते हैं सेकंड को, इसमें जो टेम्परेचर है बड़ा तेजी से कम होता है, और फिर जैसे ही नीचे जाते हैं इस थर्ड लेयर का जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है, यानी कि 0 डिग्री के आसपास रहता है। अब इसमें ज्यादा टेम्परेचर कम नहीं होता है, ठीक है। अच्छा बाकी चलते हैं, थर्मोक्लाइन बोलते हैं। अच्छा ये जो सिस्टम है थ्री लेयर वाला सिस्टम ओशन का, ये इक्वेटर के आसपास रहता है, लेकिन जैसे जैसे अगर अपन आर्कटिक सर्किल की तरफ जाएंगे, हाई लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे, मैंने हाई लैटिट्यूड लो लैटिट्यूड, ये लो लैटिट्यूड पे भी रहेगा, लो लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, ये लो लैटिट्यूड्स होते हैं, और हाई लैटिट्यूड्स 90 डिग्री के आसपास रहते हैं। अब 90 डिग्री कहाँ होती है, पोल्स पे होती है, 90 डिग्री कहाँ होती है, पोल्स पे होती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी ही 0 डिग्री के आसपास रहता है। तो यहाँ पे तो आपको ओशियन में, इक्वेटर के ओशियन में आपको थ्री लेयर्स मिलती हैं, ठीक है, जबकि आर्कटिक सर्किल या पोलर रीजन के आसपास वाले ओशियन जो होते हैं वहां पे आपको एक ही लेयर मिलेगी, वहां पे आपको थर्मोक्लाइन लेयर नहीं मिलेगी, क्लियर है। क्योंकि वहां क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां तो टेम्परेचर ऑलरेडी ही कम रहता है, और कम कितना करेंगे, और कम कितना करेंगे, 0 डिग्री से और कम कर देंगे तो बर्फ बन जाएगी, तो ऑलरेडी वहां पे आइस कैप्स वगैरह जो है वो बने हुए रहते हैं। अब बात करते हैं सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, यानी कि ओशियन के वाटर में सैलिनिटी कितनी होती है। सैलिनिटी को अपन मेजर करते हैं 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में कितनी सैलिनिटी है, कितने ग्राम सैलिनिटी है, इसको अपन मेजर करते हैं। अच्छा तो सैलिनिटी जो है वो नेचुरल, अच्छा सैलिनिटी पे भी इफेक्ट करता है, फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं,
कहीं सैलिनिटी इक्वल सॉरी कहीं ज्यादा मिलेगी कहीं कम मिलेगी, मतलब सैलिनिटी इज नॉट इक्वल थ्रूआउट आउट द ओशियन, या वर्ल्ड के जितने भी ओशियंस हैं उन ओशियन में सभी में सैलिनिटी सेम नहीं होती, कहीं पे ज्यादा होती है कहीं पे कम होती है, तो इसके भी कुछ रीजन से अपन बात कर लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे ये ओशियन है, ये इतना बड़ा एक ओशियन ले लेते हैं, ठीक है, इस ओशियन में सैलिनिटी इक्वल नहीं रहेगी, एक ओशन में सैलिनिटी इक्वल नहीं रहती। पहले ये ध्यान दिया जाता है कि वो ओशन कहाँ पे सिचुएटेड है, अगर वो इक्वेटर पे सिचुएटेड है तो क्या होगा, वाटर का एवोपोरेशन ज्यादा होगा, गर्म होके पानी ऊपर जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन में वाटर एवोपरेट होके पानी जो है इसका ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्ट जो है वहीं रह जाएगा और पानी पानी ही ऊपर जाएगा, तो ओशन के मिड में या इक्वेटर के आसपास जो है सैलिनिटी ज्यादा होगी, क्लियर। अच्छा मैं आपको कुछ ऐसे रीजन ऐसे बता दूंगा, इक्वेटर वाले पे वहां पे सैलिनिटी कम है, सर ऐसा क्यों, वहां पे क्या होता है, सर से सपोज कीजिए जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है, ये इक्वेटर पे मान लेते हैं, ये वाला हिस्सा इक्वेटर पे ले लेते हैं, चलो हटाओ, यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है, इसी ओशन का दूसरा हिस्सा ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर आ रही है, रिवर आ रही है और अपना पानी यहाँ डाल रही है, फ्रेश वाटर डाल रही है, तो फ्रेश वाटर यहां पे डाल रही है तो क्या होगा, फ्रेश वाटर यहां पे डाल रही है तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, सैलिनिटी उतनी ही रहेगी लेकिन कम हो जाएगी। मैं आपको समझाने के लिए तरीका बताता हूं, जैसे सपोज कीजिए आप शिकंजी बना रहे हैं, आप शिकंजी पीने ही वाले थे, आपने शिकंजी बनाई उसमें प्रॉपर शुगर डाला, लेमन जूस डाला, थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह भी डाल देते ना, काला नमक वगैरह वो आपने डाल दिया, जैसे ही आप पीने वाले हैं आपका कोई बैल बजी डोर पे, आप डोर ओपन किया तो देखा आपका फास्ट फ्रेंड जो है वो गेट पे था, बोला भाई क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं यार शिकंजी पी रहा हूँ, चल ठीक है मेरे लिए भी ले। अब आपने सोचा यार ये काम करते, मेरा जो ग्लास ऑफ वाटर था इसमें, मैं अंदाजन से बता रहा हूँ, सपोज करते हैं जैसे आपने 20% जो है इसमें शुगर डाल रखी थी, ठीक है 20% ही अपन इसमें लेमन जूस ले ले, ठीक है, और इसमें 60% वाटर था, चलो 55% वाटर मिक्स कर देते हैं वाटर, और इसमें 5% अपन साल्ट डाल देते हैं। अब आप ठीक है, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया ना, 100 हो गया सारा 100 हो गया। अच्छा अब अपन क्या करते हैं, इसमें दोस्त आ गया, क्या करें अभी, काम करते पानी डाल देते हैं और एक ही ग्लास बना लेते हैं, तो अब इसमें वाटर तो 200 हो गया, अब अपन ने क्या किया, अब इसमें वाटर कितना था, 55% वाटर था, किसका, 100 का, अब अपन ने क्या किया इसमें 100 या 100 बेटा एग्जांपल 100 के लेके चलते हैं, 100 ग्राम वाटर डाल दिया या 100 लीटर तो होगा नहीं, तो अपन एक ग्लास पानी इसमें डाल देते हैं एक बार, ठीक है तो डाल दिया, तो अब ये 200 मटेरियल आपका तैयार हो गया। अब देखो शुगर तो इतना ही था, लेकिन जैसे इसमें पानी ज्यादा हो गया तो 10% शुगर आपके पास आ गई, 10% शुगर उस आपके फ्रेंड के पास चली गई, लेमन भी 10% आपके पास आ गया, 10% ही आपके फ्रेंड के पास चला गया, ये चीज समझ में आ गई। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, फ्रेश वाटर मिलने पर शुगर तो उतना ही था जितना पहले था, लेकिन उसमें फ्रेश वाटर आने की वजह से उसका परसेंटेज कम हो गया, यानी कि अब वो कम मीठा लगेगा, कम उसमें लेमन जूस लगेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने उसके अंदर फ्रेश वाटर डाल दिया था। तो बिल्कुल यही इंपैक्ट जो है सैलिनिटी पर भी पड़ता है, ठीक है, तो इस तरीके से सैलिनिटी जो है कम या ज्यादा होती रहती है। अब अपन और भी बहुत सारी चीजें हैं, अपन उनको आगे पढ़ लेते हैं, अपन वापस अपने प्रीवियस टॉपिक पे आ जाते हैं और उसका रीडिंग वगैरह अपन कर लेते हैं। लैटिट्यूड फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर, इसमें फर्स्ट टॉपिक आ गया लैटिट्यूड, द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज पोलवर्ड। इंसोलेशन किसको कहते हैं, जब सन की रेज अर्थ सरफेस पे आती है, अर्थ सरफेस को हीटअप करती है, तो उसको अपन इंसोलेशन कहते हैं। सेकेंड आ गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, कहीं पे लैंड ज्यादा है कहीं पे लैंड कम है, यानी वाटर ज्यादा हो गया, जहां पे लैंड ज्यादा होगी तो वो टेम्परेचर वहां पे ज्यादा वेरी करेगा। द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट ड्यू टू देयर कॉन्टेक्ट विद लार्जर एक्सटेंड ऑफ लैंड देन द ओशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, प्रिवेलिंग विंड, हवा चलेगी उनके ऊपर
तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से वो भी टेम्परेचर को कम या ज्यादा करती है। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द ओशन ड्राइव वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट, रिजल्टिंग इन द अप वेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो गर्म पानी को वो नीचे पहुंचाएगी और ठंडे पानी को वो ऊपर पहुंचाएगी। इट रिजल्ट इन टू द लॉन्गिट्यूशनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर, कॉन्ट्रेरी टू दिस द ऑन शोर विंड पाइल ऑफ वार्म वाटर नियर द कोस्ट एंड दिस रेज द टेम्परेचर। अब ओशन करंट, वार्म ओशन करंट्स रेज द टेम्परेचर इन कोल्ड एरिया। वार्म ओशन करंट आएगी तो टेम्परेचर को बढ़ा देगी, कहां पे, कोल्डर रीजन में। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है गर्मी होना। ठीक है, डिक्रीज टेम्प, सॉरी कहां गया, तो कोल्ड करंट डिक्रीज द टेम्परेचर इन वार्म ओशियन एरिया। जहां पे गर्म ओशियन है वहां पे ठंडी हवाएं आएंगी तो वो टेम्परेचर को कम कर देगी। गोल्फ स्ट्रीम नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप, व्हाट द लेबराडोर करंट कोल्ड करंट लोअर द टेम्परेचर नियर द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ, देखो मैं आपको समझाऊंगा, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये साउथ अमेरिका हो गया। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, देखना जरा, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, मैं यहां बनाता हूँ। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेब्राडोर यहाँ पे है, कोल्ड करंट इसका नाम है, लेब्राडोर नाम पे डॉग भी आता है शायद। ठीक है, लेब्राडोर नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्ट कोस्ट, अच्छे तो हो गया। ऑल दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ ओशियन करंट लोकली। द एनक्लोज सी इन द लो लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड का मतलब हो गया इक्वेटर के आसपास। एनक्लोज सी इन द लो लैटिट्यूड रिकॉर्ड रिलेटिवली हाई टेम्परेचर देन द ओपन सी। देखो ओपन सी में क्या है, देखो ओपन सी तो होता है, जैसे ये ओपन सी है, पूरे ये ओपन सी चारों तरफ पानी पानी हो तो इसके है, और क्लोज सी हो जाएगा, जैसे अपने इंडिया था, ये अपना इंडिया था, ऐसे बना देते हैं। चलो तो ये वाला जो हिस्सा हो गया बे ऑफ बंगाल का, ये देखो किससे घिरा हुआ है, लैंड से, तो इसको कहते हैं, इसको तो ओपन सी बोल देंगे, जैसे अपना इंडियन ओशियन है पूरा फैला हुआ है, ये तो ओपन सी हो गया और ये क्लोज सी हो गया। तो ओपन सी का जो टेम्परेचर है वो कम होगा और क्लोज सी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ या मोस्टली पार्ट जो है सराउंडेड है लैंड से, तो लैंड हीटअप जल्दी होती है, तो अपनी हीट को वो ट्रांसफर कर देगी सी की तरफ। ठीक है, वेयर एज द इनक्लोज सी इन द हाई लैटिट्यूड हैव लोअर टेम्परेचर देन द ओपन सी। ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा ले लेते हैं, अब अपन ओपन सी ले लेते हैं, आर्टिक सर्किल का ले लेते हैं, ये आपके नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ले लेते हैं। तो यहां पे क्या है, यहां का जो सी का जो टेम्परेचर है ओपन सी में, ओपन सी जो है यहां पे ओपन सी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, कि रेदर देन अगर वहां पे सी इस तरीके से है, सॉरी मैं बना आइए लो, ये वाला सी, इसको क्लोज सी बोल देंगे, इसको क्लोज सी बोल देंगे, क्योंकि इसकी चारों तरफ लैंड, तो लैंड क्या तो जल्दी ठंडी होती, तो लैंड अपना टेम्परेचर जो है वो सी, इस सी वाले इस वाटर को भी देगी। सपोज करो अगर यहाँ पे -20 डिग्री टेम्परेचर है, तो इस सी का जो टेम्परेचर होगा वो -10 होगा। ठीक है, और इस सी का टेम्परेचर -15 होगा, क्योंकि ये दोनों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, इसलिए समझने की कोशिश करना, क्योंकि लैंड ठंडी है, वाटर गर्म है। गर्म सुनो, गर्म का मतलब, देखो एक चीज क्लियर करो, ये 5, जैसे मैं पूछूं कि एक आदमी से मैं 500 रुपये, 5 रुपीज मांगता हूं, 5 रुपीज मांगता हूं, और एक से मैं कुछ नहीं मांगता, तो पैसे वाला कौन सा, वो हुआ जिससे मैं कुछ नहीं मांगता। समझ रहे हैं आप बात, यानी कि जिसके पास 5 रुपीज नहीं थे जब, तो तभी तो उसने पैसे मांगे, जैसे टाटा बिरला आया, तो नाम सुनते हैं बहुत पैसे वाले आदमी है, इनके ऊपर इतना ही डेप्ट भी है, कर्जा भी है, ये सब दिखने के लिए लगते हैं पैसे वाले, वैसे बहुत कम है। जैसे अभी वो कौन सा तवीज जमा लिया था, कितने सारा पैसा लेके भाग गया, तो कंगाल ही है, उसके पास पैसा है ही नहीं, ये भी तो लेके भागा वो लोगों का। ठीक है, तो वो ये ध्यान रखना, अगर कहीं का टेम्परेचर 10 डिग्री है और कहीं का टेम्परेचर 15 डिग्री है, तो इसको कहेंगे ठंडी जगह, कोल्ड प्लेस बोलेंगे, और इसको कहेंगे वार्म प्लेस।
ध्यान रखो इस चीज को, 5 डिग्री में ही कोल्ड प्लेस और वार्म प्लेस बन गई। तो ओपन सी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा मिलेगा, सॉरी ओपन सी का टेम्परेचर मैंने बता रखा है, जो सी होता है अगर वो इक्वेटर के आसपास में है तो क्या होता है, सी इक्वेटर के अगर आसपास है तो वहां लैंड वाटर देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो मान लेते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री के आसपास, सॉरी इसको तक हिंदी तक दूसरी सेकंड में, उसका टेम्परेचर जो है 25 के आसपास मान लेते हैं। और जो ऐसा सी जो लैंड से घिरा हुआ है, क्लोज सी है, तो उसका टेम्परेचर 27। तो देख लो ये ज्यादा गर्म हुआ, ये कम हुआ। और इसी तरह जब आर्टिक सर्किल की बात करते हैं तो वहां पे अगर टेम्परेचर -10 है उसका, तो लैंड का -20 होगा। ठीक है, चलते हैं, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। फिर भी दिक्कत हो तो फिर आप मेरे से पूछ लेना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल फॉर द ओशियन वाटर शो हाउ द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज डेप्थ। ठीक है, द प्रोफाइल शो ए बाउंड्री रीजन बिटवीन द सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन एंड द डीपर लेयर, द बाउंड्री यूजली बिगन 100 to 400 meters बिलो द सी सरफेस एंड एक्सटेंड सेवरल हंड्रेड डाउनवर्ड, द बाउंड्री फ्रॉम देयर इज रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मोक्लाइन। देखो ये यहाँ पे इन्होंने बना रखा है सी का, तो ये फर्स्ट लेयर थी, तो फिर ये थर्मोक्लाइन में तेजी से टेम्परेचर कम हुआ और ये 90% वाटर है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ भी है इट इज थर्मोक्लाइन अबाउट 90% ऑफ टोटल वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फाउंड बिलो द थर्मोक्लाइन इन द डीप ओशियन इन दिस जोन टेम्परेचर अप्रोच 0 degree टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच जाता है। टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ ओशियन ओवर मिडल एंड लो लेटीट्यूड, लोअर लेटीट्यूड इक्वेटर के आसपास, मिडल का मतलब हो गया 45 degree के आसपास लेटीट्यूड, 45 degree लेटीट्यूड के आसपास ही आपको 3 layers मिलेगी। और सुन लो फिर से ध्यान से, इक्वेटर पे तो हमेशा, लोअर लेटीट्यूड पे तो हमेशा ही 3 layers मिलेगी, और जो मिड लेटीट्यूड है 45 है तो समर सीजन में ही 3 मिलेगी, विंटर सीजन में वापस वो 1 layer हो जाएगी, 1 या 2 layer ही हो जाएगी, थर्मोक्लाइन जो है वो कम हो जाएगी, हट जाएगी वहां से, समझ में आ गया। द टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ ओशन मिडल एंड लोअर लेटीट्यूड कैन बी डिस्क्राइब एज 3 layer सिस्टम फ्रॉम सरफेस टू बॉटम, द फर्स्ट लेयर रिप्रेजेंट द टॉप लेयर वार्म ओशनिक वाटर एंड इट इज अबाउट 500 meters थिक विद टेम्परेचर रेजिंग बिटवीन 20 degree to 25 degree centigrade, दिस लेयर विद इन द ट्रॉपिकल रीजन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, हमेशा रहेगी, बट इन मिड लेटीट्यूड इट डेवलप ओनली ड्यूरिंग समर, समर में रहेगी, विंटर में तो वापस 2 layer बन जाएगी। सेकेंड लेयर कॉल्ड द थर्मोक्लाइन लेयर लाइज बिलो द फर्स्ट लेयर एंड इज कैरेक्टराइज बाय रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज डेप्थ, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रैपिड डिक्रीज होता है, टेम्परेचर जो है बड़ा तेजी से कम होता है। थर्मोक्लाइन इज 500 to 1000 meters थिकनेस होती है इसकी। ठीक है, द थर्ड लेयर इज वेरी कोल्ड एंड एक्सटेंड अप द डीप ओशियन फ्लोर। ठीक है, इन द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल, आर्टिक नॉर्थ पोल में आ जाएगा, अंटार्कटिक आपके साउथ पोल पर आ जाएगा, द सरफेस वाटर टेम्परेचर आर क्लोज टू 0 degree एंड सो द टेम्परेचर चेंजिंग विद द डेप्थ इज वेरी स्लो, फिर टेम्परेचर एक बार ही तेजी से घटेगा, उसके बाद तो कम होने, मतलब कि धीरे धीरे घटे, थर्मोक्लाइन के बाद भी टेम्परेचर कम होता है नीचे सरफेस तक जाते जाते, लेकिन वो जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसकी जो स्पीड है बहुत ही धीरे होती है। ठीक है, हेयर ओनली 1 layer ऑफ कोल्ड वाटर एग्जिट विद एक्सटेंड फ्रॉम सरफेस टू डीप ओशियन फ्लोर, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन इज अबाउट 27 degree centigrade एंड इज ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, जैसे जैसे अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर घटने लग जाएगा। मैंने बताया था 1 degree कम मूव करने पर 0.5 degree centigrade टेम्परेचर कम हो जाता है। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज लैटिट्यूड इज जनरली 0.5 degree centigrade पर लैटिट्यूड, प्लीज अंडरलाइन इट, द एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड इतना डिग्री इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कितना रहता है, कितना सिस्टम रहता है, हाईएस्ट टेम्परेचर इज नॉट रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर बट स्लाइंटली टू आर नॉर्थ ऑफ इट, एवरेज एनुअल
हो गया। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ओशन इज ऑलवेज एट देयर सरफेस, बिकॉज सरफेस पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सन की जो डायरेक्ट रेज है वो यहाँ पर आती है, इस वजह से इट रिजल्ट, और सन की जो रेज है नीचे जाता था नीचे नहीं जाती है। इट रिजल्ट इन टू डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज डेप्थ, बट द रेट ऑफ डिक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू डाउन, हमेशा जो टेम्परेचर कम होने की जो स्पीड है वो हमेशा बराबर नहीं रहती है। टेम्परेचर जो है तेजी से घटता है सिर्फ 200 मीटर पर ही, ठीक है। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज स्लो डाउन। अब आ गया सैलिनिटी ऑफ वाटर, ऑलरेडी मैंने बताई दिया है सैलिनिटी ऑफ जो वाटर है ये 1000 ग्राम वाटर में काउंट किया जाता है कि उसमें कितने ग्राम मिनरल्स हैं। ऑल वाटर इन नेचर वेयर एज द रेन वाटर और ओशन वाटर कंटेन डिजोल्व मटीरियल मिनरल सॉल्ट, सभी वाटर के अंदर डिजोल्व मिनरल्स होते हैं जिनको अपन सॉल्ट बोल देते हैं। सैलिनिटी इन द टर्म यूज टू डिफाइन द टोटल कॉन्टेंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट इज सी वाटर, इट इज कैलकुलेट एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन 1000 ग्राम वाटर में, कितने ग्राम सॉल्ट या मिनरल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन सैलिनिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस एज ए पार्ट पर 1000, इसको पीपीटी के अंडर काउंट करते हैं इसको। सैलिनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सी वाटर, सैलिनिटी ऑफ 24.7 हैज बीन कंसीडर एज द अपर लिमिट टू डेमोक्रेट ब्रैकिश वाटर, मतलब खारा पानी जो हो जाता है। मैं एक बार पोर्ट सी पोर्ट बीच पे गया था तो मैंने सी वाटर देखा, सी वाटर बिल्कुल अपने फ्रेश वाटर की तरह है, बिल्कुल क्लियर होता है, उसको आप हाथ में लोगे ना तो बिल्कुल क्लियरिटी दिखाई देती है। लेकिन मैं सोचा यार थोड़ा सा मैंने चक्के देखा ना, उसको टेस्ट किया तो बहुत सॉल्टी था, ठीक है। सैलिनिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर जैसे मैंने बताया था, रिवर अगर है इक्वेटर पे ज्यादा हो जाएगा तो वही सारी चीजें, कहीं ग्लेशियर्स वगैरह हैं तो वहां पे भी सैलिनिटी कम होगी क्योंकि फ्रेश वाटर मिलता रहेगा। सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द सरफेस लेयर ऑफ ओशियन डिपेंड मेनली ऑन एवोपरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, सैलिनिटी सरफेस पे एवोपरेशन मतलब कितना पानी एवोपरेट हुआ तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, और प्रेसिपिटेशन हो रहा है रेन वगैरह हो रही है तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन द कोस्टल रीजन बाय द फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम रिवर एंड इन पोलर रीजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग ऑफ आइस, आइस वगैरह आ जाएगी तो मिक्स हो जाएगी तो भी सैलिनिटी जो है वो कम हो जाएगी। विंड विंड जो है ये भी सैलिनिटी को कम या ज्यादा करती है, कैसे? विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस सैलिनिटी ऑफ एन एरिया बाय ट्रांसफॉर्मिंग वाटर टू अदर एरिया, उस पानी को दूसरे एरिया में ले जाती है तो भी सैलिनिटी जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। द ओशन करंट कंट्रीब्यूट टू द सैलिनिटी वेरिएशन, वो ओशन करंट कितने टाइप की होती है, टू टाइप की, वार्म करंट और कोल्ड करंट, ये भी सैलिनिटी को कम या ज्यादा करती है। सैलिनिटी टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इंटर रिलेटेड, फिर से समझ लो, सैलिनिटी टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर इंटर रिलेटेड, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवोपरेशन ज्यादा होगा तो फ्रेश वाटर वहां से निकल जाएगा तो सैलिनिटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैलिनिटी भी बढ़ेगी, समझ में आ गया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा सैलिनिटी बढ़ेगी तो उस वाटर में मिनरल्स की डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। हैंस एनी चेंज इन द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंस द सैलिनिटी ऑफ वाटर इन एन एरिया, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैलिनिटी, हॉरिजॉन्टल मतलब यहां से यहां जो सैलिनिटी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात करते हैं। तो ओपन सी में सैलिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे एवोपरेशन ज्यादा होगा, और कोस्टल रीजन पे सैलिनिटी कम होगी क्योंकि फ्रेश वाटर जो है वो रिवर का उसमें मिल सकता है, अगर वहां पे ग्लेशियर्स वगैरह हैं तो वो मेल्ट होंगे तो वो मिलेंगे। द सैलिनिटी फॉर नॉर्मल ओपन रेंजेस इसमें दे रखा है, ओपन सी में कितनी होगी, 33-37 होगी, 1000 के अंदर इतने ग्राम रहेगी। लैंड लॉक रेड सी मैंने आपको बताया, लैंड लॉक सी या क्लोज सी एक ही बात है, जैसे रेड सी है वो इस तरह से होता है, लैंड हो जिसके दोनों तरफ लैंड हो तो उसको रेड सी इस तरीके से है, सऊदी अरेबिया और उसके नीचे अफ्रीका के बीच में से
ये निकल के जाता है, ठीक है। तो इसको लैंड लॉक बोल देंगे। अपने लैंड लॉक एक पोर्ट भी है जिसका नाम विशाखापट्टनम है, ध्यान रखना इस चीज का। इट इज हाई एज 41 पर्स, ठीक है, पार्ट पर 1000 ppt। वाइल इन द एस्टुरीज एंड इन द एस्टुरीज, क्या होती है मेरे को बताना, मैंने फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था, तो मेरे को बताना एस्टुरीज क्या होती है। द सैलिनिटी फ्लक्चुएट फ्रॉम 0 to 35 सीजनली इन हॉट एंड ड्राई रीजन वेयर एवोपरेशन इज हाई द सैलिनिटी समटाइम रीच टू 70%। जैसे एवोपरेशन ज्यादा होगा सैलिनिटी बढ़ जाएगी, एवोपरेशन कम होगा तो सैलिनिटी भी कम होगी। The salinity variation in the Pacific Ocean is mainly due to its shape and large areal extent. Salinity decreases from 35 to 31st western part of the northern hemisphere because of the influx of melt water from the Arctic Circle. Arctic Circle से melt होके बर्फ जो है वो आती है, इस वजह से यहाँ पे salinity कम या ज्यादा होती रहती है। इस तरीके से आपको सारा कुछ दिया हुआ है, कहाँ पे salinity ज्यादा होती है, कहाँ पे salinity कम वगैरह होती है। और पढ़ लेते हैं। The average salinity of the Atlantic Ocean is around 36. Atlantic Ocean में 36 है। Highest salinity is recorded between 15 degree and 20 degree latitude. यहाँ पे सबसे ज्यादा salinity होती है। Equator पे भी होती है, लेकिन equator पे क्या होती है, rain ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो mix हो जाता है, precipitation mix हो जाती है, तो इस वजह से salinity कम हो जाती है। Maximum salinity is observed between the 20 degree north and 30 degree north and 20 degree west to 60 degree west. It is gradually decreased toward the north. North की side में जाएंगे तो salinity कम होती चली जाएगी, क्योंकि evaporation कम हो रहा है। The North Sea, in spite of its location in higher latitude, recorded higher latitude, higher salinity due to more saline water brought by the North Atlantic drift. Baltic Sea recorded low salinity due to influx of river water. Baltic Sea में river का पानी वगैरह आ जाता है, इस वजह से वहां पे कम होती है। Recorded low salinity due to, हो गया। The Mediterranean Sea recorded higher salinity due to the higher evaporation. Salinity is however very low in Black Sea due to the enormous fresh water influence by river. See the atlas to find out river joining Black Sea. ब्लैक सी को कौन कौन सी रिवर ज्वाइन करती है उनके नेम निकालो। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशन इज 35। लो सैलिनिटी ट्रेंड टू ऑब्जर्व इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी कम है क्योंकि वहां पे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो सबमर्ज हो जाती है ओशन के अंदर। इसीलिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैलिनिटी, जिस तरह से अभी अपन ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, सरफेस लेयर होती है, फिर एक थर्मोक्लाइन होती है, ठीक है, थर्मोक्लाइन होती है, और फिर 90% पानी नीचे रहता है। तो उसी तरह ही वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है सैलिनिटी का। तो सैलिनिटी जो होती है सरफेस पे तो कम होती है, ठीक है, और फिर नीचे जाते हैं तो वो थ्री लेयर्स की तरह ये भी तेजी से बढ़ जाती है। जो थर्मोक्लाइन लेयर होती है उसी तरह से ये भी होती है, तो इसको हेलोक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हेलोक्लाइन। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, तो मैं चलो छोटा बना दिया, चलो यही कर देते हैं। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर होगी। तो सेकेंड लेयर को ये क्या बोलते हैं, हेलोक, हेलोक लाइन, इसको ये हेलोक लाइन बोलते हैं, ठीक है। सैलिनिटी चेंज विद डेप्थ, डेप्थ की तरफ जाएंगे तो सैलिनिटी है वो चेंज होती है। बट द वे इज चेंज डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द सी, साथ में लोकेशन भी देखी जाती है वो सी किस लोकेशन पर है। लोकेशन इसलिए फ्रेश वाटर भी मिक्स होता है, इस वजह से सैलिनिटी एट द सरफेस इंक्रीज बाय लॉस ऑफ वाटर टू आइस और एवोपरेशन और डिक्रीज बाय इनपुट। तो सरफेस का जो है कभी कम या ज्यादा होता रहता है। कम कब होगा, जब फ्रेश वाटर मिल जाएगा। ज्यादा कब होगा, जब एवोपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सैलिनिटी एट डेप्थ इज वेरी मच फिक्स बिकॉज देयर इज नो वे द वाटर इज लॉस्ट और द साल्ट इज एडेड। जो सबसे नीचे जाते हैं तो वहां पे जो सैलिनिटी वो फिक्स रहती है ना, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर आ रहा है ना फ्रेश वाटर जा रहा है। फ्रेश वाटर पानी यूं आएगा, यहाँ गिरेगा, गिर के फिर वापस ऊपर चला जाता है, मिक्स हो जाता है। सैलिनिटी एट डेप्थ इज वेरी मच फिक्स, अच्छे तो हो गया।
देयर इज ए मार्क डिफरेंस इन द सैलिनिटी बिटवीन द सरफेस जोन एंड द डीप जोन, यानी फर्स्ट और थर्ड जोन के बीच में एक जोन होता है सेकेंड जोन, जहां पे सैलिनिटी जो है तेजी से बहुत ज्यादा होती है, इस तरीके से मान लेते हैं। द लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट अबाउट द हायर सैलिनिटी डेंस वाटर, सैलिनिटी जनरली इंक्रीज विद डेप्थ, वैसे जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो सैलिनिटी बढ़ती जाएगी, मैंने कहा था वो डेंसिटी की वजह से। तो सैलिनिटी जनरली इंक्रीज विद डेप्थ एंड देयर इज ए डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड द हेलोक्लाइन, वाई वेयर सैलिनिटी इंक्रीज शार्पली, यहाँ पे सैलिनिटी जो है वो तेजी से बढ़ती है। अदर फैक्टर बीइंग कॉन्स्टेंट, दूसरे जो फैक्टर हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते। इंक्रीज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कॉजेज ए डेंसिटी टू इंक्रीज, हाई सैलिनिटी सी वाटर जनरली सिंक बिलो द लोअर सैलिनिटी वाटर, दिस लीड टू स्ट्रेटिफिकेशन बाय द सैलिनिटी। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होती है लेयर्ड, यानी कि ये वाटर की जैसे अर्थ की लेयर होती है तो इस तरीके से सी में भी लेयर होती हैं, और यह जो लेयर है ये डिफरेंस पैदा करती हैं, किसके जरिए पैदा होता है ये, किसके जरिए ओरिजन होता है ये, सैलिनिटी की वजह से ये ओरिजन होता है। बेटा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट टाइम लेंगे। ओके बाय, सी यू सून।